हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 और 2014 में आए थे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। सवाल है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। दोस्तों, पूछ क्या रहा है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसमें जो लोग आते थे प्रोविंसेस से, उसका इलेक्शन कैसे होता था। तो देखिए, जब ब्रिटिश का राज था तो वहाँ पर होते थे ब्रिटिश इंडिया और दूसरा होता था क्या, प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे दोस्तों, उस पर राजाओं का राज होता था और जो ब्रिटिश इंडिया था उस पर जो ब्रिटिश थे वो सीधा हुकूमत करते थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसमें टोटल 389 लोग रहने वाले थे, 389 पीपल का ये स्ट्रेंथ था। इसमें से 296 आते, कितने 296 आते ब्रिटिश इंडिया से, और बाकी जो बच गए 93 ये आते हमारे प्रोविंसेस से। तो जो ब्रिटिश इंडिया से जो लोग आते वो कहाँ से आते, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुना जाता। मेरा आंसर है सी। देखिए, इसके बारे में जो पूरा डिटेल है मैंने यहाँ पर दे दिया है। ये जो लोग आएंगे उस ब्रिटिश इंडिया से, वो अलग अलग प्रोविंसेस से उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से चुने जाएंगे। मतलब कि जिस प्रोविंसेस की पॉपुलेशन हाई होगी वहाँ से ज़्यादा लोग चुनकर आएंगे, और जो मेंबर होंगे वो तीन कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। कौन कौन? मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल मतलब कि ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख, मतलब कि उसमें हिंदू भी आएगा, पारसी भी आएगा, जैन भी आएगा, वो सब आएंगे उसमें। ठीक है, तो बस मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, और बाकी जो बच गए वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। इन सबसे चुनकर वो मेंबर्स इस हमारे संविधान सभा में होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। दोस्तों, जो सिख मेंबर्स होंगे वो सिखों के द्वारा चुने जाएंगे, और जो मुस्लिम लोग होंगे वो मुस्लिम के द्वारा ही चुने जाएंगे, और जो जनरल होगा उसके लिए सारे वोट करेंगे जो बच गए वो। तो अभी हमने देखा कि जो ब्रिटिश इंडिया है यहाँ से कैसे लोग आएंगे। अब जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से भी तो कुछ लोग आने थे। कितने आने थे? 93 लोग आने थे वो प्रिंसली स्टेट से। तो वहाँ का जो राजा होंगे, वहाँ का जो रूलर्स होंगे वो इनको नॉमिनेट करेंगे। उसके स्टेट से कौन लोग इस संविधान सभा में जाएंगे वो उस प्रिंसली स्टेट का हेड डिसाइड करेगा, वो उसको नॉमिनेट करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ सी, दोज मेंबर वेयर इलेक्टेड बाई प्रोविंसियल स्टेट असेंबली। दोस्तों, आपको ये बताना है कि हमारा जो संविधान सभा है जो था उसको किस प्लान के अंतर्गत गठित किया गया था। अगला सवाल देखिए, रेडक्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू, क्या कारण था इसका, क्या इसका मकसद था? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, टू गिव अफेक्ट टू इंडिपेंडेंस बिल, टू डिलिमिट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू इंक्वायर इन टू राइट्स इन ईस्ट बंगाल। दोस्तों, ये जो कमेटी बनी थी, रेडक्लिफ कमेटी बनी थी, इसका मेन मकसद था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी उसको डिलिमिट करना, उसको डिफाइन करना। तो इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने, यह है भारत, ये है मेरा वेस्ट पाकिस्तान, ये है इधर ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में जा करके बांग्लादेश बना। तो जो रेडक्लिफ कमेटी है इन्होंने ही इस बाउंड्री को खींचा कि ये होगा वेस्ट पाकिस्तान और ये होगा ईस्ट पाकिस्तान। आंसर क्या है? आंसर है सी, डिलिमिट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों, जब यहाँ पर बाउंड्री की बात हो ही रही है तो आप हमें ये बताइए कि हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, और उस बाउंड्री को कौन गार्ड करता है। इंडिया चाइना के बीच का बाउंड्री का नाम क्या है और उसको कौन गार्ड करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री का नाम क्या है और उसको कौन गार्ड करता है? ये जो होगा वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के जो फोर्सेज होंगे वो होंगे। इसका जवाब आप न दे पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन दोनों का जवाब दीजिए। हमारा जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है इसको कौन गार्ड करता है? इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर अभी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर जो बांग्लादेशी थे उन पर वो इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारे जो फोर्सेज हैं वो उन पर कुछ वायलेंस का यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है उसको कौन गार्ड करता है और इंडिया भूटान बॉर्डर को कौन गार्ड करता है। अगर आप इसका जवाब देंगे तो आपका जो GS3 का जो पोर्शन है इंटरनल सिक्योरिटी, आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला सवाल है, द डिमांड फॉर द तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंड ऑफ द लैंड लॉट फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू वन थर्ड। देखिए दोस्तों, जो शेयर क्रॉपर होते थे उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, उसे हम कहते हैं बटाईदार। ये होता है खेत, इसका मालिक है ये, इसका मालिक मान लेते हैं राम है, और ये है श्याम,
इसके पास खेत नहीं है, तो ये क्या कहेगा कि ये जो श्याम है वो जाएगा राम के पास और उसे कहेगा कि सर हम आपके खेतों में काम करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि इस खेत में जो फसल होगा वो लगाएंगे और जब फसल हम काट लेंगे तो उसमें से जो पार्ट होगा उसको आप ले सकते हैं और बाकी जो पार्ट होगा वो हम रखेंगे। तो जो पहले क्या था दोस्तों कि ये जो फसल होती थी, मान लेते हैं कि इसमें 10 मन अनाज हुआ, 10 मन अनाज में से जो आधा अनाज होता था वो जाता था किसके पास, जो उस लैंडलॉर्ड है जो खेत का मालिक है उसके पास जाता था। मतलब 10 मन में से जो 5 मन गया राम के पास और 5 मन गया श्याम के पास। तो दोस्तों इसके बाद जो मोमेंट थी वो हुई तिभागा मोमेंट हुई। इसमें जो बटाईदार थे जो शेयर कॉरपोरेशन, उन्होंने ये कहा कि दो कि हम चाहते हैं कि आप आधा ना मांगें, आप 2/3 हमें दें और 1/3 आप रखें। मतलब कि 10/3 ये जाएगा राम के पास और 10 × 2/3 ये जाएगा श्याम के पास। तो दोस्तों ये जो मोमेंट था वो यही था, दिस मोमेंट वांटेड टू रिड्यूस द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ द क्रॉप, उसका जो आधा हिस्सा था उससे घटा करके उसको वो 1/3 करना चाहते थे। तो ये था आंसर, आंसर है ए। आपको इसमें एक बात और बता दूं कि ये जो मोमेंट था वो वायलेंट मोमेंट था। तो अगर आपको अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन आए कि दिस वाज अ नॉन वायलेंट मोमेंट तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्णधियों मिली थी, ये एक मिलिट्री कंपेन था विच वॉज इंसिट बाई किसान सभा इन बंगाल। कब हुआ था ये हुआ था 1946 में, ये ठीक World War II के बाद हुआ था। अगला सवाल है एनी बेसेंट पर, एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार प्रेसिडेंट बनी थी। मेरा थर्ड सही है, जब मैंने पता चला कि थर्ड सही तो मैंने क्या किया, मैंने ए को एलिमिनेट किया। अब देखिए जो होम रूल मोमेंट था उसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों ने अपना अपना होम रूल जो था मोमेंट वो अलग अलग किया था। तो ये जो होम रूल मोमेंट था उसको शुरुआत करी थी एनी बेसेंट ने, पहला भी सही है, 1 और 3 सही। तो मैंने क्या किया, मैंने काटा बी, क्योंकि आंसर सी होगा या तो अब डी होगा। अब देखिए जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसकी वो फाउंडर नहीं थी, इसके फाउंडर अलग थे, एक था मैडम मॉस्की एंड दूसरा थे हेनरी ऑलकॉट। तो मेरा सेकंड कट गया, आंसर क्या आया, आंसर आया सी, 1 और 3 ओनली। ये जो होम रूल मोमेंट था वो आयरिश होम रूल मोमेंट से प्रभावित था और ये जो एनी बेसेंट थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रधान बनी थी, वो पहली प्रेसिडेंट बनी थी। कब बनी थी, 1917 में। दोस्तों अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताइए कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी, भारत की, ध्यान दीजिए एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। अगर आपसे पूछा है कि भारत की कौन थी तो आप बताना है नाम उसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इल्बर्ट बिल पे, ये जो बिल था उसको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन क्या है इसमें, इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म बाय इंडियन, ये दोस्तों ये चीज़ अलग थी, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पब्लिश इंडियन लैंग्वेजेस, नहीं ए गलत है बी गलत है। ये जो इल्बर्ट बिल था वो जजेस रिलेटेड था, इसमें था क्या कि जो इंडियन जजेस हैं उनको पहले राइट दिया गया था कि वो जो यूरोपियन होंगे उनको भी ट्राई कर सकते हैं। दिस बिल अलाउड इंडियन जजेस टू ट्राई द केसेस इन्वॉल्विंग द यूरोपियंस। इसके बाद जो ब्रिटेन था वहाँ पर विरोध होने लग गया, तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बिल को काफ़ी डाइल्यूट कर दिया, मतलब कि जो ये जो प्रोविजन थे उनको हटा दिया। तो अगर आपको इतना बेसिक पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर सी आराम से लगा सकते हैं, दिस बिल वॉज टू रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। आंसर क्या है सी, इल्बर्ट बिल आया था 1884 में। इसके बारे में जो बेसिक से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। आपको अब यहाँ पर यह बताना है कि हमारा जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट कब आया था और इसके लिए गांधी जी ने कौन सा मोमेंट लॉन्च किया था, क्या वो मोमेंट सफल हुआ था या फेल हुआ था, आपको यह बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल से, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, ये जो पार्टीशन किया गया था वो कब किया गया था, ध्यान दीजिए ये कब अनाउंस किया गया था आपको ये बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है सब चीज़ें, कब अनाउंस किया गया था, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था आप ये भी बताइए, दोनों अलग अलग सवाल हैं, दोनों अलग अलग डेट्स हैं। ये जो पार्टीशन था वो कब तक चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड पार्टीशन वॉज एंडेड, नहीं ये गलत है।
किंग जॉर्ज पंचम एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। दोस्तों ये सही है, 1911 में एक रॉयल दरबार हुई थी, वहाँ पर इन्होंने इस एक्ट को हटा दिया और ये जो पार्टीशन था उसको एबॉलिश कर दिया। इसी दरबार में ये कहा गया था कि जो इंडिया का जो कैपिटल है वो पहले कोलकाता था। ध्यान दीजिए, इंडिया का जो कैपिटल है वो पहले कलकत्ता था, उसको दिल्ली मूव किया गया। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी। दोस्तों ये जो पार्टीशन था उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद था कलकत्ता को जो नेशनलिज्म है उसका मेन हब होने से रोकना। तो उन्होंने इसको पार्टीशन किया, उन्होंने जो लोग हैं वहाँ को उनको उन्होंने धर्म के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर बांटा। तो इसी कारण से वहाँ पर जो आंदोलन होने लगे थे, जो पार्टीशन था इसके खिलाफ आंदोलन होने लगे थे। आप ये बताइए कि उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ था? आपके ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। ये ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों जो मूवमेंट हुआ था वो काफ़ी चला और उसमें हम लोगों ने स्वदेशी का काफ़ी इस्तेमाल किया। जो फॉरेनर गुड्स थे, जो विदेशी वस्तुएं थी, उसका हमने बहिष्कार किया था। इसी दरबार में जो पार्टीशन था बंगाल का उसको कैंसिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन से। व्हाट वेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट? दोस्तों पहले जो 1857 की क्रांति से पहले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनका क्या मकसद था? वो जो इंडियन स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको वो एनेक्स करना चाहते थे। उन्होंने अवध को एनेक्स किया, उन्होंने सूरत को एनेक्स किया, उन्होंने अलग अलग स्टेट्स को ब्रिटिश राज में मिला लिया। तो जो राजा थे, वहाँ के जो रूलर्स थे, वो इस क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो वो थे, उन्होंने काफ़ी हद तक पार्ट लिया। जैसे कि जो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने पार्ट लिया। जो कुंवर सिंह थे, जो जमींदार थे वहाँ जगदीशपुर के, उन्होंने पार्ट लिया। तो इस तरह जो ब्रिटिश थे उन्होंने देखा कि अगर हम लोग ऐसे राजाओं को एनेक्स करेंगे, उसको अगर हम गद्दी से हटाएंगे तो ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो 1857 की क्रांति के बाद जब क्रांति खत्म हुई, जब इसको दबा दिया गया, तो जो क्वीन विक्टोरिया थे उन्होंने अपना प्रोक्लेमेशन दिया जो कि 1858 में आया था। इसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम किसी भी भारतीय स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर लिया जाएगा। तो मेरा पहला सही है, मेरा दूसरा सही है। उन्होंने ईस्ट इंडिया का कंपनी का ट्रेड रेगुलेट करने की बात नहीं कही थी इसमें। मेरा थर्ड गलत हो गया। आंसर क्या है? 1, 2 क्या है? मेरा आंसर है ए। दोस्तों इसमें से जो बातें कही गई थी, इसका जो टेक्स्ट था मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अगर आपको कोई ज़्यादा इच्छा है तो इसका पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया था कि वी डिज़ायर नो एक्सटेंशन ऑफ आवर प्रेजेंट टेरिटोरियल पोजिशन। मतलब कि वी डिज़ायर नो एक्सटेंशन ऑफ आवर प्रेजेंट टेरिटोरियल पोजिशन, मतलब कि हम अब अपना जो राज्य है उसको आप ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते। हम अब किसी और स्टेट को अब एनेक्स नहीं करेंगे। वी विल परमिट नो एग्रेशन अपॉन आवर डोमिनियंस। तो इसके बारे में बातें सब कही गई थी। अब हम देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन है दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्याज वाइल द अदर वेयर कॉल्ड विहाराज। दोस्तों बुद्धिस्ट में मेनली तीन आर्किटेक्चर हैं, कौन कौन से? अस्तूपा, विहार और चैत्य। तो चैत्य और विहारा क्या क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये तीनों है क्या। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है इसमें जो स्टाइल इमर्ज हुई, इसमें आया स्तूप, विहार और चैत्य। इसमें से जो स्तूप है वो क्या है? वो एक डोम शेप्ड बिल्डिंग है, ऐसे होता है, इरेक्टेड एज अ बुद्धिस्ट साइन। इट इज़ अ मोल्ड लाइक हेमिस्फेरिकल। क्या है? हेमिस्फेरिकल। देखिए यहाँ पर अगर पूरा स्फेयर होता, मतलब कि पूरा गोला होता, तो ऐसा होता। ये आधा इसलिए इसे कहते हैं हम लोग हेमिस्फेरिकल। कंटेनिंग बुद्धिस्ट रेलिक्स, टिपिकली द एसेज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहाँ पर केवल बुद्ध के ही नहीं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो उनके मॉन्क थे उनके भी यहाँ पर आपको मिलेंगे रेलिक्स। दीज अस्तूपाज वेयर यूज्ड बाय बुद्धिस्ट एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन। अब आते हैं विहारा पर। दोस्तों विहारा जो थे वो मॉन्क्स के रहने खाने की जगह थी। तो अगर आपको ऐसे याद रखना, तो देखिए जो विहार है उसको बिहार पढ़िए। बिहार में क्या होता है? लोग रहते हैं। तो विहार में लोग रहते थे और जो चैत्या थे वो प्रेयर होता था, वहाँ पर लोग मेडिटेशन करते थे। जैसे कि देखिए ये देख रहे हैं आप कि जो विहारा है और जो स्तूपा है, देखिए ये है स्तूप जो कि एक चैत्य के अंदर है। देखिए ध्यान से, ये चैत्य है, इसके अंदर
के अंदर है। जो चैत्य होता था उसका यूज़ क्या होता था, वो एक टेम्पल होता था, वो एक वर्शिप प्लेस था, ये एक असेंबली हॉल था विथ अ स्तूप एट इट्स वन एंड। देखिए ये जो स्तूपा है ना, इसका एक इंड कौन सा है, ये एक इंड यहाँ है, तो इसी में हम लोग वहाँ पर स्तूपा रखा रहता था उस चैत्या में। और जो विहार होते थे, विहार क्या होते थे, विहार वेयर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स, वहाँ लोग मॉन्क जो थे वो रहते थे। जो रॉक कट केव कौन कौन से हैं, अजंता है, कन्हेरी है, कारला की गुफाएँ हैं, ये सब हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे दो मेन गुफाएँ, पहला है कारला केव जो कि पुणे में है। इसके बाद में देखिए ये सबसे बड़ा चैत्य ग्रह है, यहाँ पर लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। ध्यान दीजिए, चैत्य में होता है पूजा और विहार में लोग विहार करते हैं, लोग रहते हैं। हैज़ अ ह्यूज लाइन पिलर इन फ्रंट ऑफ चैत्य गृह, देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो ह्यूज लाइन पिलर है इस चैत्य के द्वार पर ही। अस्तूपा हैज़ सिलिंड्रिकल ड्रम शेप, ये देखिए आप सिलिंड्रिकल ड्रम शेप है यहाँ से, और ऑक्टागोन शेप्ड पिलर बिहाइंड अस्तूपा विदाउट एनी डेकोरेशन। तो अब हम आते हैं दूसरे पर जो कि कन्हेरी गुफाएँ हैं जो कि मुंबई में है। ये उसके बाद कारला के बाद दूसरा सबसे बड़ा चैत्य है। लॉयन पिलर्स एट द एंट्रेंस, इसके भी जो द्वार है उस पर लॉयन पिलर्स हैं। ये जो चैत्य है इसका फोटो देख सकते हैं यहाँ पर आप। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन से क्या क्या रहा है। फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेज एंड टेम्पल्स। दोस्तों पैलेसेज का तो पता नहीं, मगर वहाँ पर हमें कोई टेम्पल अभी तक देखने को नहीं मिला है, अभी तक खुदाई में कोई टेम्पल नहीं मिली है, मेरा पहला हो गया गलत। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, दोस्तों सही बात है, जो मेल थे उनमें से वहाँ के जो सील्स थे ना, सील पे हमें मिला है शिव जी का एक जो आकृति है, हमें वो देखने को मिलती है। वो शिव है कि नहीं हमें नहीं पता, मगर वो शिव की तरह ही दिखते थे। तो हम लोग तो वो जो लोग थे उसकी पूजा करते थे, और जो फीमेल डेटीज हैं उनमें हम लोग को दिखता है मदर गॉडेस, तो मेरा सेकंड सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर, दोस्तों जो ये जो लोग थे इंडस वैली के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, तो आखिर घोड़े से परिचित नहीं होंगे तो उसके जो रथ वो कैसे चलाएंगे। मेरा थर्ड गलत हो गया, आंसर क्या है, टू ओनली बी। इसके जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं, वहाँ पर आपको कोई टेम्पल नहीं मिलेगा, वो नेचर की पूजा करते थे, और जो फर्टिलिटी है वो उसकी पूजा करते थे। जो लोग थे वो गोट से, बकरी से, भैंस से, बैल से, हाथी से, कुत्ते से, और जो ऊँट हैं उससे परिचित थे, मगर अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि क्या वो घोड़े से परिचित थे कि नहीं, इसलिए हमने कहा कि वहाँ पर वो लोग जो रथ हैं वो घोड़े से नहीं चलाते थे। अगला क्वेश्चन फिर से है आर्ट एंड कल्चर से, इसमें कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया, दोस्तों भारत में जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है वो कहाँ है, वो है गया में, जो बराबर केव्स हैं वो, बादामी केव नहीं है। जो बराबर केव हैं उसे बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, पहला हो गया गलत। जो केव थे उसको बनाया गया था आजीविका वालों के लिए, और ये एक रॉक कट केव है, यहाँ पर आपको लोमस कजु केव देखने को मिलेगा। गया के बराबर हिल्स में आपको मेनली दो केव मिलेंगे, कौन कौन से, पहला होगा लोमस ऋषि केव, दूसरा होगा सुदामा केव। तो देखते हैं दूसरा लाइन, बराबर रॉक कट केव वेयर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका, ये तो सही है, बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, सही क्या, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोका ने बनवाया था इसको, सेकंड हो गया गलत। अब देखिए, एट एलोरा केव्स मेर वेड मेड फॉर डिफरेंट फेथ, सही क्या, जी हाँ दोस्तों ये सही है, एलोरा में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मिकल तीनों धर्मों के लिए आपको मिलेंगे केव्स, मेरा थर्ड सही है, मेरा आंसर क्या है, सी थ्री ओनली। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे जो बराबर केव है गया में उसके कुछ फिगर्स, उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। ये जो है वो आपको सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क मिलेंगे आपको इस गेट पर, देखिए ये है लोमस ऋषि केव, इसका जो गेट है उस पर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको हाथी की नक्काशी की गई है गेट पर। इसके आगे जो हॉल है वो क्या है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है विथ अ सर्कुलर चेंबर एट द बैक, ये है लोमस ऋषि केव का एंट्रेंस, देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ पर हाथी वाला जो नक्काशी की गई थी, और ये है सुदामा केव का एंट्रेंस। दोस्तों ये जो दोनों केव हैं उसमें आपको दो बात देखने को मिलती है, पहली बात कि जो केव है उसको अंदर से पॉलिश किया गया है, और इसका जो द्वार है वो आर्टिस्टिक है थोड़ा सा। द चाइनीज ट्रेवलर युआन च्वांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, जो ह्यूसंग आया था उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, द रोड्स एंड रिवर रोड्स वेयर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, ये बात गलत दोस्तों, वो जो रूट थे वो
रॉबरी से इम्यून नहीं थे क्योंकि जो हुआनसंग था उसको ही रॉब कर लिया गया था, उसको ही लूट लिया गया था। मेरा पहला गलत हो गया। एज रिकार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ पर्सन। जी हाँ दोस्तों, वो लोग आग, पानी और जहर इसका इस्तेमाल करते थे उस जो दोषी है उसका इनोसेंस या गिल्ट पता करने के लिए। मेरा सेकंड सही है। अब देखिए, द ट्रेड्समैन हैज़ टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरिस्ट स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, कर लगता था, एक ड्यूटी लगती थी। थर्ड सही है, सेकंड एंड थ्री बोथ आर करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस ट्रेवलर ने एक बात कही है कि जो सोशल ऑफेंसेस थे इसके लिए क्राइम क्या था, जो लोग थे उसके नाक काट लिए जाते थे, उसे कान काट लिए जाते थे, उसका हाथ काट लिया जाता था, और जो माइनर ऑफेंस थे उसके लिए कुछ छोटी सी फाइंस लगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन फिर से हार्ट एंड कल्चर से कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंग हैज बीन अ फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टिल टुडे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज। आपको इस पोज के बारे में बताया गया है, तो आपको सबसे पहले देखना कि आखिर ये पोज होता कैसा है। देखिए ये है त्रिभंग पोज। वन लेग इज बेंट एंड बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। देखिए जो वन लेग है वो मुड़ा हुआ है, ये वन लेग है जो मुड़ा हुआ है। बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटिवली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। देखिए ये है नेक ऐसे, और ये जो वेस्ट है वो ऐसे है ना, तो दोस्तों अलग अलग है। तो मेरा पहला आंसर है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैंड जेस्टर एंड मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन एपिक कैरेक्टर्स। ये गलत है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी फेस एंड हैंड्स आर यूज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ टू टेल अ स्टोरी। नहीं, डी भी गलत है। दोस्तों आपको कई बार ये जो पोस्चर है वो आपको जो कृष्णा जी के जो खड़े रहते हैं ना गाय के साथ, आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि एक गाय होता है और जो कृष्णा जी होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं ऐसे, और वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिभंग मुरारी। यहाँ पर जो भंग है, भंग का मतलब होता है बेंड। क्या? बेंग। त्रि मतलब कि तीन और बेंड मतलब तीन बेंड, ठीक है। तो जो बेंड होते हैं वो होते हैं तीन तरह के, अभंग, सामभंग, अतिभंग और त्रिभंग। यहाँ पर थ्री फ्रैक्शंस होते हैं, वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। इसके अलावा जो भंग होते हैं मैंने यहाँ पर दिखाया है इस फोटो में, देखिए ये है अभंग मुद्रा, यह है सामभंग मुद्रा, यह है समभंग, यह है अतिभंग और यह है त्रिभंग। देखिए यहाँ पर यह पैर मुड़ा हुआ है, ये वेस्ट मुड़ा हुआ है और ये गर्दन मुड़ी हुई है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेज, अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल, सांचे स्तूप। विच ऑफ द एबव प्लेसेज इज नॉन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। मिरनल नहीं, म्यूरल। तो दोस्तों इनमें से हम देखते हैं कि जो अजंता केव है और जो लिपाक्षी टेम्पल है, दोनों में हमें जो म्यूरल पेंटिंग है वो देखने को मिलती है। ये पेंटिंग कहाँ बनी होती है? ये पेंटिंग दीवार पर बनी होती है। मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है। सांची के स्तूप पर हमें अभी तक कोई पेंटिंग देखने को नहीं मिली है, ये वाली। थर्ड गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है? बी, वन एंड टू ओनली आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फेमस श्राइन दी गई है और उसका लोकेशन दिया गया है, टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कहाँ? स्पीति वैली। लोसस रंग टेम्पल नोको, जक्सर वैली। आईसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लद्दाख। कौन सा सही है? तो जो टैबो मोनेस्ट्री वो कहाँ है? वो स्पीति में है, पहला हो गया सही। अब देखिए जो ये जो नाको वाला जो है वो जक्सर वैली में नहीं है, सेकंड हो गया गलत, और जो आईसी टेम्पल है वो लद्दाख में ही है, थर्ड सही हो गया। वन एंड थ्री, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो सेकंड टेम्पल है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो जक्सर वैली है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। जक्सर वैली और जो लद्दाख है, ये सब कहाँ है? ये सब जम्मू कश्मीर में है, तो मेरा जो सेकंड तो वो गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। छः सिस्टम हैं, कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशिक एंड मीमांसा। तो इनमें से बताना है कि कौन से जो हैं वो सही पेयर नहीं है, मीमांसा और वेदांता है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये है न्याय और वैशेषिका, ये भी है। यहाँ पर सिक्स में है वेदांता, फर्स्ट तो है ही, सेकंड भी है। लोकायत और कपालिका, ये छः में से नहीं आते, मेरा सी आंसर है। सांख्य और योग, ये तो है ही, देखिए यहाँ पर है सांख्य, ये है योग, तो मेरा सी आंसर है। दोस्तों जो हमारे जो एंशियंट इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका जो आखिरी चैप्टर है उसमें आपको इन छः सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, उससे अच्छा मटेरियल अभी तक हमने नहीं देखा इसके बारे में, तो उसको पढ़ सकते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन है मीडियावल से, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली। अकबर प्राइवेट प्रेयर चैम्बर,
द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विथ स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, द रूम इन विच नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर. दोस्तों ये जो हॉल था, ये जो इबादत खाना था, वो एक हॉल था जहाँ पर अकबर अपने स्कॉलर के साथ डिस्कशन किया करता था. मेरा आंसर है सी. अब देखिए, इन मिडिवल इंडिया द डिजिग्नेशंस महातारा अन पट्टालिका वेर यूज फॉर वट, मिलिट्री ऑफिसर्स, विलेज हेडमैन, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स. दोस्तों ये जो दोनों थे वो विलेज के हेडमैन होते थे. मेरा बी आंसर है. द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इनस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया. ये होता है पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, ये होता है हमारा एम्बलम. इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते. ये जो फ्रेज लिखा गया है ये कहाँ से लिया गया था? ये जो फ्रेज सत्यमेव जयते इसको कहाँ से लिया गया था? कठोपनिषद, चंदोग्य उपनिषद, अतिरेक उपनिषद और मुंडकोपनिषद. दोस्तों इसको लिया गया है हमारे मुंडकोप उपनिषद से. पहला जो डी है वो सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. दोस्तों हमारे जो समय थे पुराने समय, उसमें कितने महाजनपद थे आपको ये बताना है. उन जनपद में से कौन कौन से जो जनपद थे वो बुद्ध से रिलेटेड थे? अवंती था क्या? अवंती नहीं था, गंधार नहीं था. कोसल के लुम्बिनी में बुद्धा का जन्म हुआ था, इसलिए पहला जो थर्ड है वो तो है ही. मगध में उन्होंने अपना एक बड़ा समय बिताया. देखिए जो बोधगया था वो कहाँ था? बोधगया मगध में ही था जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया. और जो कुशीनगर है वो मगध में है जहाँ पर वो मरे. मेरा थर्ड सही है, मेरा फोर्थ सही. आंसर क्या है? आंसर है 3 और 4 सी. दोस्तों सेम क्वेश्चन अगले साल 2015 में भी रिपीट हुआ था. ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन आता 2014 वाला में सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया था 2015 में. इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में. अगला क्वेश्चन है गदर मूवमेंट से. गदर वाज अ रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को. सही है क्या? जी हाँ दोस्तों सही है. ये एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था. ये एक नॉन वायलेंट नहीं, ये एक वायलेंट एसोसिएशन था जो चाहता था कि इंडिया में एक आर्म्ड रिवोल्ट करके यहाँ पर जो ब्रिटिश सत्ता को गिराया जाए. और इसका जो हेडक्वार्टर था कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था यूएस के सैन फ्रांसिस्को में. देखिए ये है यूएस, यहाँ पर था सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर उसकी हेडक्वार्टर था. बी, सी और डी गलत है. द कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मनियार्स इज वेल नोन फॉर देयर मार्शल आर्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया, पीटर डुअरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया. दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पीटर डुअरा है ये क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा. ये जो मनियार्स थे वो क्या थे? वो एक ट्रैवल कम्युनिटी थे फ्रॉम राजस्थान विथ अ स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल ट्रेडिशन. आंसर क्या है? आंसर है बी. दोस्तों ये कोई ऐसे ही एरा गरा सवाल नहीं पूछा गया था. इस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई थी, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आया था. देखिए जो मई 2014 में ये जो न्यूज़ थी वो आई थी, फ्रॉम ट्रेडिशन टू एजुकेशन द मंगनियार्स आर बैक. तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ते ध्यान से तो आपको ये क्वेश्चन हो सकता था आराम से. आते हैं अब अगले सवाल पर. कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंस, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज. हु अमंग द एबव वेयर प्रीचिंग वेन लोदी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टूक ओवर. ये कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में. पानीपत का कौन सा युद्ध था ये आपको बताना है. इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था 1526 में. तो जो बाबर टूक ओवर किया ये कब किया 1526 में? तो आपको देखना ये है कि इनमें से कौन से संत, दादू दयाल, नानक और त्यागराज, इनमें से कौन से संत 1526 में जिंदा थे और प्रीच कर रहे थे. तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1544 में, है ना. अब चूंकि लड़ाई हुई थी 1526 में, इसका जन्म हुआ 1544 में, तो नहीं होंगे ना दादू दयाल. मेरा पहला गलत हो गया. मैंने क्या किया? मैंने काटा ए, मैंने काटा डी. अब देखिए जो गुरु नानक थे उनका वो कब तक थे? ये थे 1469 से 1539 तक. और जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी यहाँ पर बीच में 1526 में. तो क्या गुरु नानक जी तो थे ही. मेरा सेकंड है जो सही है. तो अब देखना त्यागराज, त्यागराज का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1767 में. ये तो काफ़ी बाद हुए थे. तो मेरा जो थर्ड वो कट गया. आंसर क्या है? आंसर है बी, 2 only इज द करेक्ट आंसर. अब देखना है दोस्तों कि हमारे जो भक्ति सेंट हैं वो दयाल, नानक और त्यागराज के बाद और कौन कौन से हैं. वो हैं महाप्रभु, मीराबाई, रामदास, अन्नमैया, अपार, नामदेव, तुकाराम, कबीर और बाकी ये तीन हैं रामकृष्ण वल्लभाचार्य वगैरह वगैरह. तो आपको ध्यान देना है सब चीज़ें. दोस्तों 2013 में इंडियन फिलोसफी से एक और क्वेश्चन आया था. जो छः थे ना उसमें से एक था सामख्य, उससे सवाल आया था. विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांख्य स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी. सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल. सही क्या?
जी हाँ दोस्तों सही है, फैक्चुअल सवाल है ये। सांग के होल्ड्स डैट इट इज द सेल्फ नॉलेज डैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट, ये भी सही है, मेरा आंसर है सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। जो सांग योग है वो ये कहता है कि जो सेल्फ नॉलेज है वो ले आता है आपको लिबरेशन की तरफ, एंड ऑलमोस्ट ऑल द रेस्ट ऑफ द फिलोसफीज ऑफ इंडिया एडॉप्टेड सांग एज इट्स मेन बेस, तो आंसर है बोथ वन एंड टू। ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन जो कि जैनिज्म से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एप्लीकेबल टू जैन डॉक्टराइन, द स्योरेस्ट वे टू एनिहिलेटिंग द कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, पेनेंस मतलब क्या होता है, पेनेंस मतलब होता है प्रायश्चित, पहला सही है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल, जैनिज्म के अनुसार जो लोग जीवित हैं जो लोग नॉन लिविंग हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के पास सोल है, ये कहता है जैनिज्म। तो हर ऑब्जेक्ट चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो चाहे वो पत्थर ईंट कुछ भी हो उसके पास सोल है, मेरा सेकंड सही है। कर्मा इज द, दोस्तों आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब मगर ये जैनिज्म की डॉक्ट्राइन है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी है, बस आपको ध्यान में रखना है बस। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, जी हाँ ये भी सही है, वन टू एंड थ्री, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के जो कि 2013 और 2014 प्रीलिम्स से आए थे। चूँकि अभी आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास समय भी होगा नहीं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।